हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू जी चैनल लास्ट मिनट रिवीजन विद आर एम एंड हियर एम बैक विद अंदर वीडियो सो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द टी वाई बी कॉम फाइव जो आपने पेपर अटेम्प्ट किया था और जिसमें आपको ए टी के टी लग गई है ड्यू टू और द अदर रीजन्स उसके आंसर्स के बारे में डिस्कस करेंगे और ऐसा नहीं कि बहुत सारे बच्चे नॉर्मली ये कमेंट करते हैं कि लास्ट टाइम जो पेपर आया है वही पढ़ के जाओ क्या अगर लास्ट टाइम वो पेपर आया है वही आप फिर से पढ़ के जाओगे और ये होप से जाओगे कि लास्ट टाइम के पेपर में से ही बहुत सारी चीज़ें आ जाएगी और मैं पास हो जाऊँगा ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है ऐसा भी नहीं है कि लास्ट टाइम का पेपर आपको करना नहीं है लास्ट टाइम के पेपर से आपको एक ओवरऑल आइडिया आ सकता है कि किस तरीके के क्वेश्चंस यूजुअली एग्जामिनर पूछता है तो पहले हम ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस कर लेते हैं फिर हम क्वेश्चंस पे जाते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्वेश्चन पेपर तो आपके पास ऑलरेडी होगा ही और अगर नहीं है तो लास्ट मिनट रिविजन विद आर के ऐप के ऊपर जाइए लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है वहां पर सारे पीडीएफ मैंने ऑलरेडी अपलोड करके रखे इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बैंक अपियर्स इन बैंक बैलेंस शीट अंडर दी हेड तो काफी आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है तो कहाँ लिखा, लिखा जाता है अदर करंट लाइबिलिटीज में एरियर्स डिविडेंट इज नॉट पेड इन दिकंस्ट्रक्शन स्कीम तो no entry appears because preference dividend, जो है है माना जाता है और इसके लिए उसको जब भी paid करेंगे तभी एंट्री किया जाता है काफी ज़्यादा मैंने ऑलरेडी समझा दिए थे इन्वेस्टमेंट अकाउंट इज गवर्न बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्टीन जो आपको याद रखना है हमेशा मैंने ऑब्जेक्टिव जितने भी दिए थे उसमें सारे ऑब्जेक्टिव ये भी काफी ऑब्जेक्टिव आया था बाईबैक ऑफ शेयर्स रिजल्ट इन तो बाईबैक अगर हम शेयर्स का करेंगे तो उससे क्या हो सकता है उससे हमारा जो शेयर कैपिटल है उसमें रिडक्शन आता है तो रिडक्शन इन द शेयर कैपिटल इज द राइट आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिगार्डिंग द इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन तो ऑप्शन है आपके पास लिक्विडेशन ऑफ कंपनी तो इसमें से कौन सा ऑप्शन uh, जो है वो इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन से रिलेटेड नहीं है Uh, जैसे कि अगर मैं बाकी के ऑप्शन की बात करूँ तो पहला ऑप्शन था नो फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू कंपनी रिडक्शन ऑफ लाइबिलिटी रिडक्शन ऑफ कैपिटल एंड लिक्विडेशन तो मैं फिलहाल डायरेक्ट आंसर्स डिस्कस कर रहा हूँ लेकिन आपके पास ऑलरेडी क्वेश्चन रहेगा विसल ब्लोइंग का मतलब क्या है तो विसल ब्लोइंग का मतलब सिंपल है एन एक्ट ऑफ रिपोर्टिंग इलीगल एक्टिविटीज सीएसआर का मतलब क्या है यह भी बहुत बच्चों ने गलत लिखा था सीएसआर का मतलब आप सभी को पता होना चाहिए इट इज कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी कॉपी राइट्स कहाँ पे लिखते हैं हम लोग कॉपी राइट इज वन ऑफ द इंटेंजिबल असेट जो फिक्स असेट्स में हमारे दो पॉइंट्स आते हैं टेंजिबल एंड इंटेंजिबल उसमें हम इंटेंजिबल में लिखते हैं वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिक्स इनकम इन्वेस्टमेंट इक्विटी शेयर इक्विटी शेयर कभी फिक्स इनकम सिक्योरिटीज नहीं है अगर हम ऑप्शन की बात करें तो डिबेंचर्स था स्टेट

एक्स इंटरेस्ट एंड कम इंटरेस्ट प्राइजेस आर द प्राइजेस रिलेटिंग टू तो एक्स इंटरेस्ट एंड कम इंटरेस्ट ये आपके इन्वेस्टमेंट में होता है और इन्वेस्टमेंट में भी दो वैरायटीज थे शेयर्स एंड डिबेंचर्स का तो उसमें ये डिबेंचर्स वाला जो सेक्शन था उसमें था वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एथिक्स ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट तो इसमें से प्रोफेशनल अकाउंटेंट का क्या एथिक्स नहीं है एक्यूरेसी वैल्यूज अकाउंटेबिलिटी ये उनके एथिक्स होते हैं फ्रॉड्स उनका एथिक नहीं है फ्रॉड कैसे एथिक्स हो सकता है फ्रॉड अगर उसका एथिक्स होता तो फिर तो प्रॉब्लम ही क्रिएट हो जाता तो फ्रॉड्स जो है उसका एथिक्स नहीं है इसलिए राइट right आंसर आपका बन जाएगा फ्रॉड्स फिर अगर हम मैच द फॉलोइंग की बात करें तो बैलेंस इन कैपिटल रिडक्शन अकाउंट कहाँ ट्रांसफर होता है बैलेंस इन कैपिटल रिडक्शन अकाउंट ट्रांसफर होता है आपका कैपिटल रिजर्व अकाउंट में गुडविल रिटर्न ऑफ गुडविल अगर राइट ऑफ होगा तो हमको एंट्री पास करनी होती है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू गुडविल तो ये हो गया आपका सही आंसर पार्टली पेड अप इक्विटी शेयर जो होते हैं वो बाय बैक नहीं हो सकते फुल्ली पेड अप प्रेफरेंस ही हम buyback कर सकते हैं बिकॉज कंपनीज एक्ट 2013 कहता है पार्टली पेड अप प्रेफरेंसर्स बाय बैक नहीं हो सकते तो उसको हम लोग फिर क्या करते हैं फुल्ली पेड अप करते हैं कॉल की एंट्रीज करके नेक्स्ट है वेजेस एंड बोनस तो वेजेस एंड बोनस का सही आंसर है एम्प्लॉय बेनिफिट्स एक्सपेंसेस या आपके प्रॉफिट एंड लॉस का जो कंसेप्ट आता है मतलब फाइनल अकाउंट्स उसमें से आया है लूज टूल्स हम कहाँ लिखते हैं लूस टूल्स हमारे लिए इन्वेंट्रीज होता है प्री एक्विजिशन डिविडेंट और पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंट प्री एक्विजिशन डिविडेंट पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंट ये इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में जो शेयर्स वाला पार्ट है उसमें से आया है प्री एक्विजिशन डिविडेंट डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इसका सही आंसर है और पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंट को हम रेवेन्यू रिसीड्स मानते हैं जनरल रिजर्व जो होता है वो हमारे लिए फ्री रिजर्व का काम करता है बाय में हम लोग इसको यूज करते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम जो है दैट इज एक्टिंग एज प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स टू बी रिटर्न ऑफ कोड ऑफ एथिक्स क्या है कोड ऑफ एथिक्स हमारे लिए स्टैंडर्ड्स है प्रिंसिपल्स है तो स्टेट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड प्रिंसिपल्स नेक्स्ट इज सब डिविजन ऑफ शेयर्स तो दो कंसेप्ट होते हैं हमारे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में सब डिविजन ऑफ शेयर्स और कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स तो सब डिविजन ऑफ शेयर्स का मतलब होता है जिसमें हम इंक्रीज करते हैं नंबर ऑफ शेयर्स को इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ शेयर सब डिवीजन करते हैं दस रुपये का शेयर दो रुपये करते हैं दो रुपए का शेयर फिर पाँच रुपये करते हैं तो दैट इज वाई नंबर ऑफ शेयर्स बेसिकली इसमें इंक्रीज होता है बारहवें नंबर का पॉइंट है एक्स इंटरेस्ट की प्राइस तो एक्स इंटरेस्ट की प्राइस का मतलब होता है एक्सक्लूडिंग प्राइस आप क्वेश्चन सामने रखे में डायरेक्टली आंसर्स को डिस्कस कर रहा हूं तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव के आंसर्स थे ऐसे नहीं कि यही ऑब्जेक्टिव फिर से रिपीट होने वाला है ऐसा होने ही नहीं वाला है लेकिन इससे आपको एक ओवरऑल आइडिया आ सकती है कि, कि किस तरीके क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस पेपर में तो उसके कंपैरिजन में हम लोग अभी, -अभी अपने अगर प्रिपरेशन सही तरीके से करेंगे तो दैट विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू तो ये हमने ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस कर लिया है अभी सो so, इसमें हमने ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस कर लिया है ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करने के बाद अब हम क्या करेंगे अब हम क्वेश्चंस को थोड़ा सा क्रिस्पी वे में डिस्कस करने का ट्राई करेंगे तो ये आज के सेशन में हमने ऑब्जेक्टिव्स किया नेक्स्ट सेशन में मैं आपको क्वेश्चंस डिस्कस करके वीडियो प्रोवाइड करूंगा तो ये सारे आंसर्स अपने पेपर में मार्क करके रखे और आपने क्या क्या गलतियाँ की थी इसमें इनमें से देखें बिकॉज ऑब्जेक्टिव कहीं ना कहीं हमको एक पासिंग हेल्पिंग हैंड होता है अगर आप ऑब्जेक्टिव सही तरीके से सॉल्व करोगे तो दैट विल हेल्प यू टू क्लियर दी एग्जामिनेशन 40 मार्क्स आपको मिलने के चांसेस है एक तो ये ऑब्जेक्टिव्स और दूसरा जो लास्ट में थियरी क्वेश्चंस आते हैं वो भी आपको हेल्प करते हैं लेकिन काफ़ी सारे बच्चों ने थियरी क्वेश्चन ही नहीं किए थे ऐसा बिल्कुल भी ना करें थियरी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें बिकॉज आप जितनी चीज़ें उसमें लिखोगे उसी के बेसिस पे आपको जो है वो मार्क्स मिलने वाले हैं थैंक यू वेरी मच नेक्स्ट पॉइंट में मिलते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्विंग के साथ थैंक यू ऑल ऑफ यू बाय बाय